एक स्कूल के ओपनिंग को अभी करीब में एक शहर को गया था, स्कूल की ओपनिंग थी, मुझे बुलाए थे असरी तालीम की अहमियत और ज़रूरत पर, मेरा उन्वान भी वही शुरू करना था। तो वहाँ मुझे स्टेज में ऐसे बिठा दिए कि एक तरफ मर्द बैठे हैं, एक तरफ औरतें बैठी हैं। मैं स्टेज को गया ही नहीं, बोला कि नहीं मैं नहीं जाता। नहीं ना हजरत, उनू पर्दे में ही, उनू पर्दे में ही, हमें पर्दे में नहीं ना। जैसे हमारा उनको देखना जायज़ नहीं, तो उनका हमको देखना भी जायज़ नहीं है। ये हमारे बड़ों का तरीक़ा नहीं है कि औरतों को सामने बिठाकर बयान करें। औरतों को सामने बिठाकर बयान करने का तरीका हमारे अकाबिर का, असलाफ का, अवलिया का, असफिया का, अतकिया का नहीं है। ऐसी मजबूरी, ऐसी मजबूरी, ऐसी मजबूरी जिससे निकलना नामुमकिन हो, तो उस सूरत में बयान करने वाला अपनी निगाहों को नीचे रखकर जल्द से जल्द मुख्तसर बयान करके ख़त्म कर दे। यही लिखा है, आपको देखते दिखाते जैसे मैं बयान करता हूँ, सामने औरतों का मजमा हो, इस हालत में बयान करने की किसी को इजाज़त नहीं। कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, वो अगर कहता है कि ज़रूरत है तो फिर उसकी विलायत में डाउट है। खुद हमारी आंखें चोर बन चुकी हैं। हम चाहते हैं हमारे करिश्मे औरतें देखें, इससे बचना चाहिए। हज को जाने वाले क्या शोर शराबा कर रहे हैं, क्या शोर शराबा कर रहे हैं। एक ज़माने में हज को जाने वाले अपने अमल के कबूल होने के लिए इतना डरते थे, इतना डरते थे। हज़रत फ़तह मुसली रहमतुल्लाह अलैह